How much does it actually cost to have a child in the US? अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऑलरेडी कितने कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं तो आई थिंक उसकी कुछ कॉस्ट ज्यादा लगती है, जिसमें से इंश्योरेंस ने बहुत मेजर आई थिंक रिजॉर्ट कभी नहीं होता इतना महंगा, वेकेशन हो जाती है। सही में हमें जो देना पड़ा इवेंचुअली वो टोटल। नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेशन व्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं, ऑफ कोर्स आपने टाइटल पढ़ा होगा, हाउ मच डज इट एक्चुअली कॉस्ट टू हैव अ चाइल्ड इन द यूएस, एग्जैक्टली कितना पैसा लगता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे कॉस्ट डिटरमाइन होती है, और इंश्योरेंस कितना कवर करता है, ओवरऑल सारे विजिट्स में आपको कितना पैसा देना पड़ता है, स्कैन्स के क्या खर्चे होते हैं, डिलीवरी प्रोसेस, डिलीवरी रूम, आफ्टर केयर, एग्जैक्टली जब आप बच्चा घर लेके आते हो उससे पहले आपके क्या क्या खर्चे होते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। एंड हमारे पास कॉन्टेंट की कमी ना हो तो प्रशांत है, एंड मैं नंबर्स में थोड़ी सी कच्ची हूँ तो प्रशांत स्पेशली विल बी द मेजर प्लेयर इन दिस। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैक्टर्स, हाँ किस किस चीज़ से फैक्टर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारा हॉस्पिटल का बिल और हमारा ओवरऑल प्रेगनेंसी का खर्चा। एंड सबसे बड़ा चीज़ होती है जिससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ यू नो कौन सा अमाउंट क्या आएगा वो इंश्योरेंस के हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना ज़्यादा आपको कोपे में देना है। यूएस में बहुत सारी चीज़ें कोपे पे चलती हैं, तो आधा इंश्योरेंस देता है आधा हम देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी होता है यूजुअली आप कभी डॉक्टर के पास जाओगे हॉस्पिटल जाओगे तो यूजुअली वो आपका इंश्योरेंस मांगते हैं, वो पहले इंश्योरेंस से पूछते हैं कि कितना पैसा लगेगा और फिर उसके बाद आपको जो भी बचा हुआ होता है जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता वो आपसे देना को देना होता है। यूजुअली यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, आपका कितना डिडक्टेबल है इंश्योरेंस में, कितना कोपे है, कोपे का मतलब होता है कि आप कितना पैसा दोगे और बचा हुआ पूरा इंश्योरेंस कवर करेगा, डिडक्टेबल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई कितना परसेंट इंश्योरेंस कवर करता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका फाइनल बिल आपको कितना पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जिससे डिटरमाइन होता है वो है लोकेशन ऑफ बर्थ, कि आपका जो बर्थ है बेबी का वो कौन सी जगह हो रहा है। यूएस ऑफकोर्स बहुत बड़ी जगह है और बहुत सारे अलग अलग जगह हैं, कौन सी सिटी में हो रहा है, कौन से स्टेट में हो रहा है, कहाँ हो रहा है एग्जैक्टली, वो काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। और एमडी वगैरह कितने पैसे ले रहे हैं, मतलब हर एक जगह के अपने अपने चार्जेस होते हैं, तो एमडी नर्स हॉस्पिटल अपने चार्जेस लेते हैं और साथ में डॉक्टर्स अपने चार्जेस लेते हैं, डॉक्टर्स कितना पैसे जो डॉक्टर आ रहा है आपका ऑन कॉल वो कितना पैसे ले रहा है। हाँ। प्लस ऑल्सो लाइक आपने किस टाइप का, मतलब आपने शेयर्ड बेड लिया है या फिर सिंगल रूम लिया है, शेयर्ड रूम लिया है, ये सब चीज़ें होती हैं इन सब। और ऐसा भी है ना कि ऐसा नहीं कि जर्सी में सब हॉस्पिटल का सेम एक स्टैंडर्ड नहीं, जैसे आई थिंक इंडिया में भी अलग अलग है, फोर्टिस अलग है, मैक्स अलग है, तो सबका अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, तो कौन सा हॉस्पिटल उसकी रैंकिंग क्या है वो सब काफ़ी डिटरमाइन होता है। तीसरी बड़ी चीज़ होती है जिससे डिटरमाइन होता है वो ये होता है कि आपका जो बर्थ टाइप है वो क्या है, मतलब आई थिंक सी सेक्शनल जो सर्जरी होती है वो बर्थ के साथ सर्जरी होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और जो वजाइनल होती है वो थोड़ा चीपर होता है, तो ऐसा बहुत अंतर नहीं आता, बट हाँ आई थिंक उसमें एक दिन एक्स्ट्रा भी रुकना पड़ता है और देयर आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगला जो आई थिंक काफ़ी फैक्टर होता है वो होता है कि हाई रिस्क, अगर आपकी प्रेगनेंसी है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऑलरेडी कितने कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं तो आई थिंक उसकी कुछ कॉस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि मॉनिटरिंग वगैरह ज़्यादा होती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्कैन्स होते हैं। हाँ। ये सब चीज़ें होती हैं तो वो सब उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि डबल बर्थ है या सिंगल बर्थ है, अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो या फिर उससे ज़्यादा ट्रिपलेट्स हो रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आई थिंक उसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ट्विन प्रेगनेंसीज थोड़ी एक्सपेंसिव होती है देन द नॉर्मल वन। एंड फाइनली एक और चीज़ होती है कि मतलब अगर आपका पोस्ट बर्थ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जैसे अगर बच्चे को NICU में जाना पड़ा या फिर कुछ भी इस टाइप का इशू हुआ तो फिर उस चीज़ की ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है, तो फिर वो सब चीज़ें भी आपके हॉस्पिटल बिल में ऐड होती है, क्योंकि अगर आपका जब हमारा हॉस्पिटल बिल आता है इवेंचुअली तो उसमें मदर का बिल आता है और बच्चे का अलग से बिल, दो बिल आते हैं अलग अलग। आई थिंक सबसे बड़ा जब आपको पता लगता है आप प्रेगनेंट हो उसके बाद आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो तब आई थिंक यहाँ पे $30-40 का कोपे लगता है जिसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है कि अब हम आपके साथ हैं और आप के साथ मतलब अब बाकी प्रोसेस होगा आपके साथ होगा। जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आपको स्पेशलिस्ट वाला कोपे देना पड़ता है और वो पूरी प्रेगनेंसी काइंड ऑफ कवर करता है। हमारा $30 लगा था और आइडियली वो पूरी प्रेगनेंसी कवर करना चाहिए था बट हमसे दो तीन बार ले लिया था, आई थिंक टोटल वी हैड टू पे ट्वाइस और थ्राइस, तो ओवरऑल $90 का कोपे लगा। अगर आप डॉक्टर चेंज करते हो जैसे हमने चेंज किया था तो दूसरे डॉक्टर पे भी आपको पहली बार जाके वहाँ पे भी कोपे देना पड़ता है, ठीक है। तो फिर बट दैट
स्टेड विद अस फॉर द होल प्रेगनेंसी. हमें दोबारा प्रेगनेंसी में दोबारा गायनेकोलॉजिस्ट को पेमेंट नहीं करनी पड़ी. और फिर स्कैन्स के खर्चे होते हैं, जैसे मतलब जब भी आप स्कैन के लिए जाते हो तो फिर वही $20-30 एक्स्ट्रा वही लगता है. तो हमारा वहाँ पे भी $30 पर स्कैन के हिसाब से लगा था. तो वो भी हमारे मतलब जब हम न्यूयॉर्क में थे तो 2-3 बार स्कैन हुआ था, और जब हम इधर थे तो 2-3 बार स्कैन हुआ था. तो हमें हर बार $30 ईच स्कैन के लिए लगा था. आई थिंक एक खर्चे वो होते हैं जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो, और एक खर्चे होते हैं सारे मिला के टोटल जो डिलीवरी से पहले होते हो. तो डिलीवरी में जब मैं एडमिट हुई उससे पहले कितने खर्चे हुए? तो हमें जो देना पड़ा इवेंचुअली वो टोटल $300 था. हाँ, जिसमें सारे स्कैन, सारे विजिट्स और सारे कंसल्टेशन कवर थी. ऑब्वियसली ओवरऑल खर्चा काफी इससे कहीं गुना ज्यादा था, बट मोस्टली वो इंश्योरेंस ने पे किया. हमारा खर्चा आया तकरीब $300 कोपे में, सब हमारा 300 के आसपास आया. और आफ्टर डिलीवरी आई थिंक वो एक अपने आप में एक बड़ा गेम है. जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और फिर जब आप बाहर आते हो, उसके बीच में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है. मतलब आप वहाँ रहते हो, आपका पूरा डिलीवरी प्रोसेस, मेडिकेशंस, वो सब भी एक बहुत ही लॉन्ग लिस्ट है. एग्जैक्टली उसमें क्या हुआ अब हम वो डिस्कस करते हैं. अब हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े खर्चे की. जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो और आपके पास बेबी आता है, और जब आप घर आते हो, उस बीच में काफी बड़े खर्चे होते हैं. और वो खर्चे आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई गाड़ी खरीदना हुआ कि हम जाके पूछ लें कि जर्सी सिटी मेडिकल सेंटर आप कितना लोगे, या फिर हैकेंसेक वाले आप कितना लोगे, जी मॉरिस टाउन वाले आप कितना लोगे. तो हर एक के अलग अलग खर्चे होते हैं. तो एग्जैक्टली इसमें कैटेगरीज हैं. ये हमारा लैपटॉप है जो हमने खोल के रखा हुआ है, इसमें सारे खर्चे हमारे हैं. तो अब हम इसमें से देख देख के बताते रहेंगे. सबसे पहला बड़ा खर्चा किसका होता है? सबसे पहला चार्ज है. पहले तो दो बिल आए हैं, एक हमारा बिल और एक मतलब ऋतु का बिल और एक इतिका का बिल, अलग से. तो सबसे पहले हम ऋतु का बिल देख रहे हैं. उसमें सबसे टॉप पे खर्चा है रूम एंड बोर्ड, यानी रूम का खर्चा. हम लोग 4 दिन हॉस्पिटल में रहे थे, तो 4 दिन का खर्चा 3,350 3,600 पर नाइट के हिसाब से रूम है. हाँ. पर डे के हिसाब से रूम है. तो हम तीन रात तो टोटल है 4 रात रुके थे. हाँ. 4 दिन रुके थे टोटल. तो इसका टोटल खर्चा 14,424 विच इज इन एन अराउंड 10 लाख से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रूम का खर्चा है. हाँ. इतने में रिजॉर्ट कभी नहीं होता, इतना क्रूज वेकेशन हो जाती है. हाँ, सही में. इसके अलावा अगला सेक्शन है फार्मेसी जनरल, जिसमें खूब सारी जो भी दवाइयाँ ऋतु को मिली थी पहले बाद में. हाँ, मतलब आई थिंक वो बहुत सारे वैक्सीनेशन जो भी चीज़ें होती है, और उसके बाद जो स्पेशली वो जो दवाइयाँ खिलाते हैं उसके चार्जेस होते हैं. तो इसमें बहुत आई थिंक $180 की एक दवाई है और 15-20 सेंट की भी एक दवाई है. तो मतलब टोटल खर्चा इसका है 1,458 डॉलर्स, जो कि करीब होता है 1 लाख रुपए के आसपास. छोटा सा सेक्शन है सिर्फ $60 का मेडिकल सर्जिकल सप्लाईज, आई थिंक जो फाइनली जो डिलीवरी वाले पार्ट में सर्जरी का इक्विपमेंट यूज हुआ था. जब आप एडमिट होते हो और जब वापस आते हो, उसके बीच में काफी सारे ब्लड वर्क होता है, और वो ब्लड वर्क बहुत सारी चीज़ों को, सपोजिंग आपको यू नो डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लॉस हो गया, तो चेक करने के लिए कि वो सेम ब्लड ग्रुप आपको देना है, ब्लड टेस्ट होते हैं, बॉडी टेस्ट होता है, आपको थायराइड शुगर लेवल सब कुछ चेक होते हैं. तो आई थिंक वो सारी चीज़ें. तो उसका कितना खर्चा है? 8-10 टेस्ट हुए टोटल. हाँ. उनका $1,230 है, अगेन वही करीब करीब 1 लाख रुपए. बाद एनेस्थीसिया, जो कि ऋतु का एपिड्यूरल हुआ है, उसका कितना खर्चा है? इसका अराउंड 1797 यानी $1,800. रिकवरी रूम जनरल, तो इसमें आई थिंक ये है कि जब हम रिकवरी रूम में गए थे तो वहाँ पे जो तुम्हारे पास डॉक्टर वॉक्टर आए थे जिन्होंने चेक किया था ऋतु को, या फिर वो बीच में बीपी लेने आते हैं, या फिर रिकवरी रूम में चेकअप करने आते हैं कि तुम्हारी सब तुम्हारी हालत ठीक है या नहीं, उसका खर्चा वो है $1,456. लास्ट में जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है लेबर रूम और डिलीवरी का चार्ज. लेबर रूम एंड डिलीवरी चार्ज, मतलब जब आपका बर्थ होता है बेबी का, उसमें जो लेबर रूम एंड डिलीवरी चार्ज है, वो जो रूम होता है उसमें रहने का और उसका सारा खर्चा कुछ मिला के $18,000 का लेबर रूम डिलीवरी का चार्ज. अराउंड 15 लाख इन INR 14-15 लाख. एंड इसी के साथ हमारी जो इतिका है वो उठ के आ गई है. अभी हम लेने थोड़ा सा देर में गए तो उसने ऐसे मुंह बना लिया था, आ गए मुझे लेने नहीं आए. ये स्कूल से बच्चे आते हैं ना, स्कूल में मम्मी पापा लेके आते हैं तो बच्चे मुंह लगते हैं. तो अभी हम इतिका का बर्थ स्टोरी ही डिस्कस कर रहे हैं. तो अब आप नीचे जाओ, थोड़ा वहाँ पे अपने प्ले मैट में खेलो. इतने सारे चार्जेस, बट ये सारे पैसे कैलकुलेट करके टोटल कितना बिल आया? जो बिल टोटल फाइनल बिल आया वो है $38,696 का, विच इज नाइन हाउ मच, करीब 30 लाख का बिल है. ठीक है, और उसमें से हमने कितने दिए वो अभी हम से, हाँ उसमें से 38,191 इंश्योरेंस ने कवर किए. यानी हमें पड़े सिर्फ $500. ठीक है, एग्जैक्टली कहा वो ये बिल है, और इसमें ऊपर वो वाले वो सारे खर्चे जो हमने आपको बताए थे, रूम एंड बोर्ड, फार्मेसी, मेडिकल, लेबोरेटरी, ये सब चीजें यहाँ पे. हाँ. और फाइनली यहाँ पे इसमें दिखा रखा है कि सिग्ना जो कि हमारा इंश्योरेंस है उसने 38,000 पे किया है, और हमने दो बार में $500 पे किया है.
दो बार में मिला के 500 डॉलर पे किया। ठीक है, और ये टोटल खर्चा हमने पूरा डिलीवरी का इतना ही लगा हमारा, लगभग 500 डॉलर, विच इज इन INR हाउ मच? INR में हो गया 500 डॉलर इज अराउंड 40,000, विच इज आई थिंक इंडिया में इससे ज्यादा लगता है। आजकल हमारे इतने कपड़े चेंज नहीं होते जितने इतिका के हो जाते हैं बीच बीच में, बट या तो इन टोटल इफ आई टेल यू हाउ मच डज इट कॉस्ट टू हैव अ चाइल्ड इन द यूएस, कितना? तो $500 डिलीवरी का चार्ज, और उससे पहले हमारे $300 और लगे, तो हमारा टोटल $800 लगा है पूरी डिलीवरी पे, और जिसमें से इंश्योरेंस ने बहुत मेजर, आई थिंक बहुत, हमारा खुद डिलीवरी का चार्ज 500 ही लगा है, तो वो काफी ज्यादा का चार्ज 500 लगा है, जिसमें कि रितु का 38,000 से ऊपर का बिल आया था, प्लस इतिका का अनदर 6,000 का बिल आया था, तो करीब 44,000-45,000 इंश्योरेंस ने पे किया, $500 हमें पे करना पड़ा। ठीक है, एंड इसी के साथ ये जो व्लॉग है वो खत्म होता है। इस बीच में काफी सारे डायपर चेंज हुए, फीडिंग सेशन हुआ, दो घंटे में बना ये व्लॉग, 2-3 घंटे। हाँ ठीक है, मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया में कितना लगता है, मतलब हमें कोई आइडिया नहीं है डिलीवरी और उसका कितना प्राइस होता है, मुझे प्लीज कॉस्ट बताने देना नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया प्रशांत सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना, कमेंट कर दिया करो, हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाए, मतलब ये व्लॉग कैसे बनाया हमें पता है, अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।